हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया, स्वागत करती हूँ आपका दी कोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैदिक पीरियड के एमसीक्यू पार्ट टू में टॉप 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारा वैदिक पीरियड से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन हो जाएगा, और इसी के साथ साथ इस चैप्टर का रिविज़न भी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। यहाँ पे गोत्र शब्द की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, गोत्र प्रथा की नहीं, ठीक है। तो गोत्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किस में हुआ? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन आया था UPPCS में 2005 में आया था, और इसका आंसर है गोत्र शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। ये जो पूर्व काल था, पूर्व वैदिक काल है, जिसका समय काल क्या था, 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व, उस समय गोत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता, और ये गोत्र शब्द जो इस्तेमाल किया जाता था वो जहाँ पे गौधन पाले जाते थे, यहाँ पे जहाँ पे गाय रखी जाती थी वहाँ, उसी के लिए वहाँ पे गोत्र शब्द इस्तेमाल होता था। जब हम उत्तर वैदिक काल आते हैं, जिसका समय काल 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का था, तो वहाँ पे गोत्र प्रथा की शुरुआत होती है। फ्रेंड, तो गोत्र शब्द और गोत्र प्रथा आप ध्यान रखिएगा, तो गोत्र प्रथा जो थी या फिर गोत्र व्यवस्था थी वो उसे कहते थे जो एक ही वंश से या एक ही मनुष्य की जो संतानें, समस्त संतानें होती थी, उन्हें को हम गोत्र कहते थे, ठीक है। तो ये हमारा गोत्र शब्द और गोत्र व्यवस्था में, ये दोनों में फ़र्क है, तो इसका बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अगर गोत्र शब्द पूछे तो वो उत्तर वैदिक काल से, गोत्र प्रथा पूछे तो वो उत्तर वैदिक काल से, लेकिन यहाँ पे गोत्र शब्द पूछा है तो उसका सबसे पहली बार ऋग्वेद काल से, ऋग्वेद में हुआ है, और ये जो समय काल है वो क्या, पूर्व वैदिक काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो देखिए, यहाँ पे विकल्प क्या दिया है, भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ। तीसरा विकल्प देखिए, प्रकृति पूजा और यज्ञ। चौथा विकल्प देखिए, प्रकृति पूजा या भक्ति। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। देखिए, ये IAS प्री 2012 में ये क्वेश्चन आया था। फ्रेंड, हम लोगों ने बार बार बातें की कि जो वैदिक सभ्यता में जो वो भक्ति तो वो नहीं करते थे, जो वैदिक कल्चर था, वैदिक कार्य थे, तो जब भक्ति नहीं करते थे तो देखिए विकल्प एक कट गया, विकल्प आपका 4 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो दूसरी बात है, ये बहुत समय आप जब वैदिक कल्चर में मूर्ति पूजा का प्रश्न नहीं आता, मूर्ति पूजा का प्रश्न तो बहुत बाद में आता है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमें दूसरा विकल्प भी कट गया, तो आंसर क्या बचता हमारा, प्रकृति पूजा या और यज्ञ करते थे। तो ठीक है, वो प्रकृति पूजा करते थे, प्रकृति के समस्त चीज़ों का करते थे, जैसे कि पेड़ पौधे, जल का, पर्वतों का, इन सारी चीज़ों का वो पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, कर्मकांड करते थे। क्लास में इस चीज़ों को अच्छे तरह से बताया गया है कि किस तरीके से पूर्व वैदिक काल में किस तरीके से पूजा पद्धतियाँ इनकी हुआ करती थी, उत्तर वैदिक काल में किस तरह से ये पूजा पद्धतियाँ क्या करते थे, तो ये सारी चीज़ें क्लास में अच्छे से बताई गई, उस क्लास को आप अच्छे से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो ऋग वैदिक काल का ये पूछ रहे हैं कि जनता जो है वो मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी। तो देखिए विकल्प क्या दिया है, मूर्ति पूजा पे करती थी, एकेश्वरवाद पे करती थी, देवी पूजा पे करती थी, या फिर बलिया कर्मकांड पे करती थी। ये देखिए PCS प्री, UPPCS प्री 1993 में ये क्वेश्चन आया था, तो बताइए वो किस पे करती थी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बलि और कर्मकांड पर करती थी। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे जो समय था 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व, हमने पहले भी बताया था कि उससे बहुत ज़्यादा बलि देने, पशुओं की बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बलि दिया जाने लगता था, कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसी के देखा जाए तो इसी के विरोध में अन्य धर्मों का भी वहाँ पे धार्मिक आंदोलन होते हैं, बौद्ध और जैन धर्म का भी उसी समय देखेंगे, लास्ट में आप जाते जाते 600 ईस्वी पूर्व के समय में बौद्ध और जैन धर्म का भी एक तरीके से उत्थान होता है। तो ये मेनली बेसिकली क्या था कि वो बलि या कर्मकांड पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जो कि युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, बैटल ऑफ द 10 किंग्स। बताइए ये जो ऋग्वेद में, इसके बारे में ऋग्वेद के ये तीसरे मंडल में, इसके ऋग्वेद के तीसरे मंडल नहीं सॉरी आठवें मंडल में, ऋग्वेद के आठवें मंडल में ये 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है। तो ये जो 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है वो कहाँ पे हुआ था, बताइए जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में। देखिए इसमें जो विकल्प दिया है, क्या दिया, परुसरणी नदी पे, या फिर सरस्वती नदी पे, विपाशा नदी पे, या फिर अस्कनी नदी पे, जल्दी से बताइए आंसर।
तो फ्रेंड ये देखिए यूपीपीसीएस मेन 2008 में ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है परुसरणी नदी, जिसे वर्तमान में हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो परुसरणी नदी के तट पे ये 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, और इसके बारे में बात करें तो ये जो 10 राजाओं का युद्ध था वो भरत कबीले और आपका 10 राजाओं का कबीला था उन्हीं के बीच में ये हुआ था। तो जो भरत थे उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित चुन लिया था, किसके विकल्प में, गुरु विश्वामित्र के, ऋषि विश्वामित्र के विकल्प में। तो ऋषि विश्वामित्र ने क्या किया कि 10 राजाओं का एक संघ बनाया और उन्होंने 10 राजाओं के सहयोग से क्या किया, भरत कबील पे आक्रमण कर दिया। तो बेसिकली ये जो युद्ध हुआ था उन्हीं के बीच में हुआ था, और फिर जो भरत कबीला था वो जीत जाता है। तो ये उसी तरह, तो ये जो युद्ध हुआ था वो परुसरणी रावी के तट पे हुआ था, और ये जो ऋग्वेद के 8वें मंडल में 10 राग युद्धों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा से संबोधित किया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कि किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया। फ्रेंड हमने बताया था ना कि किस तरीके से ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिला है, तो उसी से ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया हुआ है, पहला विकल्प है सिंधु नदी, दूसरा सरस्वती नदी, तीसरा वितस्ता नदी और चौथा यमुना नदी। और ये देखिए यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए किस नदी को मादे तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है। फ्रेंड ये नदी है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को ऋग्वेद काल में काफ़ी ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता था, और हमने अपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट एमसीक्यूज में क्या देखा था कि सिंधु नदी का सबसे सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और जो वितस्ता झेलम नदी को था, यमुना नदी का हमें 3 बार उल्लेख मिलता है, और देखा जाए तो गंगा नदी का हमें 1 बार उल्लेख मिलता है। तो जो सबसे पवित्र नदी आपका सरस्वती थी, और सर्वाधिक बार नदियों का उल्लेख जो मिलता है वो सरस्वती का, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। हमने बताना कि देखिए 5 जो है, जो आपका युद्ध होता है तो क्या था, पंच जो 10 राजाओं का युद्ध होता है उसमें 5 जो थे आर्य थे और 5 गैर आर्य थे। तो 5 जो आर्य थे उन्हीं में से ये कुछ नाम दिया है, उसमें ये बत पूछ रहा है कि कौन से उन 5 आर्यों में से एक आर्य जो था एक कबीला नहीं था। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया हुआ है, यदु, पुरु, तुर्वश, कीकट। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन से थे 5 वो जन जिनमें से एक नहीं है ये। और ये देखिए यूपीपीसीएस मेन 2009 में ये क्वेश्चन आया था, तो फ्रेंड इसका आंसर जल्दी से बताइए कौन सा नहीं था। तो देखिए कीकट नहीं था, ठीक है, कीकट नहीं था, बाकी यदु था, पुरु था, तुर्वश था, दूसरा और जो चौथा था वो ध्रुव था, और एक आपका था अनु, ठीक है, अनु कबीला। तो ये 5 कबीले हुआ, 5 कबीले थे, और एक 5 गैर कबीले भी हुआ कर, 5 गैर कबीले, गैर आर्य कबीले और 5 आर्य कबीले मिलकर के 10 राज्यों का संघ बनाया था इन्होंने। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें उन 5 और जो गैर आर्य कबीले थे उनके भी हमें नाम बताइए फ्रेंड, और बताइए कि वो कौन से 2 कबीले आपस में मिलकर के कुरु जनपद बनाते हैं, ये भी बताइए फ्रेंड, जल्दी से आंसर बताइए। मैं बार बार क्वेश्चंस पूछती हूँ, जो क्रॉस क्वेश्चन पूछती हूँ आप उनके आंसर नहीं देते हैं, आप फालतू की चीज़ों की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जल्दी से मुझे उसका आंसर बताइए। तो देखिए एक चीज़ आपको और बता देते हैं, ये जो भरत कबीला था और ये जो पुरु कबीला भी जो लड़ रहे हैं, ये बाद में हम जब उत्तर वैदिक काल देखते हैं जब जन और जन मिलकर के आपस में जनपद बनाते हैं, तो फ्रेंड ये जो पुरु कबीला और भरत कबीला मिलकर कुरु जनपद बनाता है, ठीक है। तो अन्य मुझे एक आंसर ये भी बताइए कि पांचाल जनपद जो रहता था वो कौन से 2 कबीले मिलकर के कौन से पांचाल बनाते, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन, आपका जीविकापार्जन का मुख्य साधन था, ठीक है, जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार, 4 ऑप्शन दिए हैं। ये यूपीपीसीएस प्री 1993 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए प्राचीन काल में जो आर्यों का जीविकापार्जन का जो मुख्य साधन था वो था कृषि था। फ्रेंड जब मैं अपनी क्लास में वैदिक कल्चर पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि किस तरीके से पूर्व वैदिक काल में पशुपालक समाज था, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हो जाता है। फ्रेंड ये जो हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से किसी भी चीज़ की प्रमुखता हमें पता चलती है, वो किन आधारों पर पता चलती है कि वैदिक साहित्य में किसी भी चीज़ का कितनी बार उल्लेख किया गया है। कृषि की बात करें तो जब हम पूर्व वैदिक काल पढ़ते हैं तो जब हम उसमें दूसरे मंडल में कि तीसरे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक दूसरे मंडल में कि 57वें
सुक्त में हमें कृषि का बहुत ही कम बार उल्लेख मिलता है, इससे हमें लगता है कि हाँ ठीक है पूर्व वैदिक काल में कृषि का महत्व कम होता है। लेकिन जब हम यही आगे जाते हैं और आगे देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हमें शतपथ ब्राह्मण क्या पता चलता है कि राजा जनक ने भी हल, राजा जनक हमने बताया था ना विदेह के राजा जनक ने भी कृषि का कार्य किया। डैट मीन्स उन्होंने हल लिया हाथों में कृषि और खेत को उन्होंने जोतना शुरू किया। तो इससे क्या पता चलता है कि राजा ने भी कृषि कार्य किया, डैट मीन्स कृषि का महत्व कितना ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर हमने तैतरीय उपनिषद में देखा कि एक नारा दिया गया था, अन्य ही ब्रह्म है, हमने ये सारी चीज़ें बताई थी क्लास में। इससे क्या पता चलता है कृषि का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अथर्ववेद में बहुत सारे कृषि के मंत्र दिए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। तो आर्यों का जो मेन जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या हो जाता है, आपका कृषि हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, यव जो है ये पूछ रहा है कि किस अन्य को ऋग्वेद में यव कहा गया है। ठीक है, तो देखिए विकल्प क्या है इसमें, जौ, दूसरा देखिए चना, तीसरा चावल, चौथा आपका गेहूं है। जल्दी से आंसर बताइए हमें, ये UPPCS स्पेशल मेंस 2008 में ये क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड इसका आंसर है जौ। जौ को फ्रेंड यव के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद काल में बहुत ज़्यादा हमें कृषि उत्पादों से बहुत ज़्यादा हम परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे अन्य उत्पादन से हम परिचित हो जाते हैं। और ऋग्वेद काल में देखा जाए तो यव को ही जौ के नाम से दूसरे को एक दूसरे संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदिक पड़ी किस वर्ग के नागरिक थे। ठीक है, एक पड़ी पूछ रहा है कि पड़ी जो था एक वर्ग था वो किससे संबंधित था, किस व्यवसाय से संबंधित था। तो ये देखिए विकल्प क्या दिया है इसमें, पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। तो जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में इसका। देखिए ये MPPCS 2019 में ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल रिसेंटली ये क्वेश्चन आया था। तो जो पड़ी होता था फ्रेंड ऋग्वेदिक काल में, पड़ी जो होता था वो एक व्यापारी समूह होता था। पड़ी क्या करता था, पड़ी एक तरीके से एक व्यापार करता था। और बात करें अगर पड़ी की तो फ्रेंड ये जो इसके पड़ी जो इसे गाय को चोरी करने वाला भी कहा जाता था, पड़ी गायों को चोरी करता था क्योंकि इसको देखा जाए तो ये सूतखोरी का भी काम करता था। तो उस समय की अगर बात करें तो जो सूतखोर होते थे, गाय जो होती थी वो एक तरीके से संपत्ति मानी जाती थी। और संपत्ति विभिन्न जो व्यापार होता था उसका आदान प्रदान गायों के माध्यम से होता था। तो पड़ी जो पड़ी नामक व्यापारी होता था वो गायों की चोरी करता था और इन्हीं के माध्यम से क्या करता था, ऋण प्रदान करता था। काफ़ी अधिक ब्याज पर ऋण प्रदान किया करता था। तो ये था इसीलिए इसको बेकनाट भी कहते थे, ध्यान रखिएगा बेकनाट कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में एक शासन प्रणाली पूछ रहा है। हमने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अच्छे से क्लास में डिस्कशन किया कि किस तरीके से पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरीके से उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था थी। तो ये जो वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी, तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, निरंकुश शासन प्रणाली थी, प्रजातंत्र थी, गणतंत्र थी या फिर वंश परंपरागत राजतंत्र थी। ये राजस्थान प्रीसेस में आया था, प्री में 1993 में आया था ये क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड ये जो वैदिक युग में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली हुआ करती थी। ठीक है, और इसी के अंतर्गत अगर बात करें तो सभा और समिति थी, सभा समिति नामक कुछ संस्थाएँ थी, सभा समिति विदतगण। ये संस्थाएँ क्या थी, राजा के कार्यों को नियंत्रित करती थी। तो एक तरीके से राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र जैसी भी प्रणाली हमें मिलती थी, क्योंकि जो सभा समिति विदत जैसी संस्थाएं हुआ करती थी ये क्या थी, लोगों के द्वारा चुनी हुई जाती थी। और ये क्या करती थी, राजा के कार्यों में भी सहयोग करती थी और राजा के कार्यों को नियंत्रित भी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा थी, तो वैदिक युगीन सभा क्या थी, गाँव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद था या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी, जल्दी बताएं। ये राजस्थान प्री 1994 में क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड इसका आंसर है वैदिक युगीन सभा थी वो मंत्री परिषद थी। हम बताएं मंत्री परिषद जो थी वो सभा और समिति मिलकर के मंत्री परिषद का निर्माण करती थी। और प्रश्न अगर ये आए कि सभा का कितनी बार उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिला है, तो फ्रेंड सभा का हमें 8 बार उल्लेख मिलता है, समिति का हमें 9 बार उल्लेख मिलता है और विदत का जो था जो संस्था थी उसे हमें 122 बार उल्लेख मिलता है। इससे इनके महत्व का पता चल जाता है
ऐसी संस्थाओं के महत्व का पता चलता है, तो याद रखिएगा वैदिक युग की जो सभा थी वो एक मंत्रिपरिषद थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। सभा और समिति को दो पुत्रियां कहा जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभा थी, तो ये जो संस्थाएं थी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्थाएं हुआ करती थी उस समय की। तो ये प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया, देखिए विकल्प में क्या है आपका, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्वेद में, जल्दी से आंसर बताएं इसका। देखिए ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में 2009 में क्वेश्चन आया था। तो जो सभा और समिति को अथर्वेद में प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, न्यायिक कार्यों से फ्रेंड कौन सी सभा संबंधित थी, तो बताइए। देखिए विकल्प क्या दिया है, सभा, समिति, विधाता, उपर्युक्त में से सभी, तो बताइए आंसर कौन सा है। ये झारखंड पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये हर जो सभा, समिति, विधाता, इन सारे के कार्य कुछ अलग अलग हुआ करते थे और इनके सदस्य भी अलग अलग हुआ करते थे। इसी के आधार पर यहाँ पे प्रश्न बना है कि कौन सी संस्था थी जो न्यायिक कार्यों को करती थी। तो फ्रेंड इसका आंसर है सभा जो थी वो न्यायिक कार्यों को करती थी, और सभा में जो थे वरिष्ठ लोग चुने, जो समाज के कुलीन वर्ग थे उनको चुना जाता था, वो लोग चुन के आते थे, और समाज के अन्य जो वृद्ध वर्ग थे यानी कि जो उम्र में सबसे ज़्यादा हुआ करते थे वो सभा के सदस्य बनते थे और इनके द्वारा न्यायिक कार्य को किया जाता था। समिति की बात करें फ्रेंड, तो समिति जो थी जन सामान्य लोगों की सभा थी समिति ये, और विधाता की बात करें या फिर विदत संस्था जो थी ये भी, ये देखा जाए तो ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था हुआ करती थी, सबसे प्राचीन संस्था थी। और ये जो कार्य, ये जो लूट मार, जो लूट के द्वारा जो वस्तु लाया जाता था, जो माल होते थे उनके जो बंटवारे का कार्य करता थी, बंटवारे का कार्य ये क्या करती थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड हमने देखा था ना उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल में जो कबीलाई समाज था वो एक दूसरे के कबीले पे अटैक करते थे और उनके चीज़ों को, उनके सामानों को लूट लिया करते थे, तो वो जो लूट का, जो माल का बंटवारा जो करता था वो विदित करता था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यायिक कार्य को कौन, तो ऑब्वियस है जो घर के बड़े लोग होते हैं वही न्यायिक कार्य करते। तो उसी तरह संस्था जो सभा थी वो भी कुलीन वर्गों की संस्था हुआ थी, वरिष्ठ लोगों की एक संस्था होती थी, वही न्यायिक कार्यों को करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, नेक्स्ट है हमारा आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये पूछा है कि किस वेद में हमें आयुर्वेद या जीवन के विज्ञान का हमें उल्लेख मिलता है। तो देखिए यहाँ पर बात किया गया है कि अरण्यक में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है या फिर अथर्वेद में मिलता है। तो ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 1994 में ये क्वेश्चन आया था। तो जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है कि आयुर्वेद, बार बार ये बात बताई गई, आई थिंक आप लोग इतने तो स्मार्ट हो गए होंगे कि इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का जो हमें उल्लेख मिलता है सबसे पहले वो अथर्वेद में मिलता है। ठीक है, अथर्वेद में। अरण्यक की बात करें तो अरण्यक हमने बताया था एक तरीके से, ये भी क्या था कि ये जो ऋषि मुनि थे वो जंगल में, अरण्यक मतलब होता है जंगल में जो ज्ञान की प्राप्ति करते थे। सामवेद आपको पता ही है गायन संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद जो गद्य पद्य दोनों में लिखा है। तो ये था हमारा इसका आंसर अथर्वेद, जिसमें हमें आयुर्वेद और जीवन के विज्ञान का हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक धर्म था। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म था, क्या धर्म था, आंसर देखिए क्या है, बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था या फिर निवृत्त मार्गी था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूपी पीसीएस में 2014 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वैदिक जो धर्म था वो था बहुदेववादी। ठीक है, बहुदेववादी। बात करें हम ऋग्वेद के, तो देखें हमने जो यास्क के बारे में, यास्क नामक एक विद्वान थे, उन्होंने उनकी पुस्तक थी निरुक्त। ठीक है, निरुक्त नामक पुस्तक में उन्होंने देवी देवताओं की तीन श्रेणियों की बात किया है। ठीक है, तीन श्रेणियां थी और इन तीन श्रेणियों के अंतर्गत उन्होंने 33 कोटि की देवी देवताओं के बारे में बात किया है। ठीक है, अब जैसे अभी हम लोग बोलते 33 करोड़ देवी देवता, फ्रेंड 33 करोड़ देवी देवता नहीं थे, 33 कोटि के देवी देवता हुआ करते थे। और ये तो 33 कोटि के देवी देवता ये तीन श्रेणियों में बटे हुए थे। ये तीन श्रेणियाँ कौन कौन सी थी आपकी, पृथ्वी,
आकाश और आपका अंतरिक्ष, इन तीनों के अंतर्गत हमने अच्छे से बताया है कि कौन कौन से देवता आते थे, कौन कौन से देवी आती थी और उनके द्वारा कौन से कार्य किए जाते थे, किस कार्य का संचालन किया जाता था, ये क्लास में हमने अच्छे से बताया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, ये जो श्रेणियाँ बनाई गई हैं वो यास्क के द्वारा अपनी पुस्तक में लिखा गया है, तो यास्क की पुस्तक निरुक्त थी, उसी के माध्यम से बहुदेववादी हमें वहाँ के समधार्मिक बारे में, धार्मिक चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक क्वेश्चन हमें बताइए, हमारा एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा देवता था जो इन तीनों ही श्रेणियों में पाया जाता था, या फिर इन तीनों ही पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष तीनों का देवता था, वो बताइए हमें कौन सा था जो तीनों ही श्रेणियों में पाया जाता था। इसका आंसर दीजिए फ्रेंड। जब भी मैं क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ मुझे उसका आंसर नहीं मिलता है, मुझे इन सारी चीज़ों का मिलता है फ्रेंड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे तभी सिलेक्शन होगा, जितने भी मैं क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ उनके आंसर मुझे दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए कि कौन से वो देवता थे जो अंतरिक्ष के भी देवता थे, आकाश के भी देवता थे और वो आपके पृथ्वी के भी देवता थे, जल्दी से बताइए। देखिए वो आपके अग्नि थे, अग्नि जो थे तीनों ही श्रेणियों में पाए जाते थे, ठीक है। कुछ जो चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कशन करती हूँ इससे जुड़े हुए चीज़ों को, तो उस पर ध्यान दिया करिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके नहीं मिलती हैं, तो वो ऐसे तो मैंने क्लास में इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बात किया है, लेकिन जो ये क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है उनका आंसर क्या करिए, इधर उधर की बातें कम क्या करिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, ऋग्वेद में किस देवता को हम युद्ध के देवता जानते हैं, तो देखिए विकल्प क्या दिया है, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता या फिर वरुण देवता, बताइए जल्दी से। कितनी बार इसका हमने बताया है आपको कि किस देवता को युद्ध देवता कहा जाता था, ये देखिए यूपीपीएससी में 2011 में एक प्रश्न आया था, तो देखिए इंद्र देवता को हम युद्ध देवता के नाम से जानते हैं, युद्ध इन अग्नि का देखा जाए तो सॉरी इंद्र देवता जो हैं इनका हमें ऋग्वेद में 250 बार हमें उल्लेख मिलता है, सबसे प्रतापी देवता के रूप में जाते थे, इनको पुरंदर कहा जाता था फ्रेंड, पुरंदर वो होता है जो बड़े बड़े किलों को तोड़ने वाला होता है, सोमापा कहा जाता था क्योंकि ये बहुत अधिक सोम रस का सेवन करते थे, और फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइए सोम, जो सोम मंडल है, जो सोम रस है, जो सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है, जल्दी से आंसर बताइए, कल हमने बताया था इसके बारे में क्लास में। तो इंद्र जो हैं उनको युद्ध का देवता कहा जाता था फ्रेंड, वरुण को क्या कहा जाता था, वरुण देवता जो थे ऋतस्य गोपा थे, ये नैतिक मूल्यों का, नैतिक विधि विधानों का देखरेख करते थे, सूर्य के बारे में भी आप जानते, अग्नि जो थे ये दूसरे सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे ऋग्वेद में, इनका 200 बार हमें उल्लेख मिलता है, और तीसरे जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे वरुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, ठीक है, सर्वाधिक संख्या में सबसे ज्यादा मंत्र किससे ज्यादा जुड़े हुए हैं, देखिए विकल्प क्या दिया है, अग्नि, वरुण, विष्णु या फिर यम से, ये यूपीपीएससी में 2010 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं फिलहाल विकल्प के अनुसार तो वो अग्नि है, इनके 200 मंत्रों दिए गए हैं, 200 मंत्र हैं, लेकिन उस तरीके से आंसर देखा जाए तो इंद्र हैं, इंद्र के सर्वाधिक मंत्र हैं जो कि विकल्प में नहीं दिया है, तो आंसर हमारा अग्नि हो जाएगा, अगर विकल्प में इंद्र दिया होता तो आंसर हमारा इंद्र होता, क्योंकि ये 200 इनके 250 मंत्र दिए हुए हैं, और तीसरे नंबर पर आपके वरुण आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसकी भाषा शैली को बदल दिया गया है, तो आंसर पे हम डायरेक्ट चलते हैं इंद्र हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं, तो इंद्र जो हैं वो सबसे आपके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, किस आधार पे, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है हमें इंद्र का, आपका 250 बार उल्लेख मिलता है, झंझावट के देवता थे, वर्षा के देवता माने जाते थे, युद्ध के देवता थे, है ना, तो ये पापियों को दंड देने वाले देवता कहे जाते थे, और ये आया था यूपीपीसीएस मीन्स 2008 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। हमने इंद्र के बारे में बताया कि इंद्र का जो ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख दिया है, उन्हीं से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य दिए हुए हैं जिनको हमें सही और गलत तथ्यों को छांटना है, किससे जुड़े हुए, इंद्र से जुड़े हुए। तो देखिए पहला जो बात किया गया है कि क्या ये झंझावट के देवता थे,
दूसरे पापियों को दंड देने वाले देवता थे, तीसरे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे और चौथा वर्षा के देवता थे। जल्दी से आंसर बताइए, ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो तीसरा जो विकल्प दिया है इसमें नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, तो देखिए इसको तो निकाल ही दीजिए। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? वरुण थे, जिसे हम क्या बोलते थे, रित। रित क्या होता था? नैतिक व्यवस्था होती थी, और रित यानी कि नैतिक व्यवस्था का देख रेख करने वाला कौन होता था? ऋतस्य गोपा होता था। तो ये तो तीसरा निकल गया, क्योंकि वरुण जो होते थे वो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो हम तीसरा निकालते, तो बी जो है विकल्प यहाँ से निकाल दिया। तीसरे पहली जो विकल्प दिया, देखिए झंझावट के देवता, बिल्कुल सही बात है, तो जिसमें झंझावट के देवता पापियों को दंड देते थे, ठीक है, पापियों को जो दंड देने वाला भी देवता इंद्र ही थे, तो ये भी सही हो गया। वर्षा के भी देवता इंद्र ही थे। तो फ्रेंड जैसा कि विकल्प में हमें एक दो चार तो नहीं दिया, लेकिन अब हमें देखना है कि एक और चार विकल्प कहाँ पे हैं, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो झंझावट के देवता थे, पापियों को दंड देने वाले देवता थे, और वर्षा के देवता थे, और नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन थे? वरुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 800 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग में से जुड़ा है, किस युग से जुड़ा है? ये युग पूछ रहे हैं 800 से लेकर के आपका 600 ईस्वी पूर्व का काल जो है। तो इसमें विकल्प जो दिया है, देखिए ब्राह्मण युग है, दूसरा सूत्र युग है, तीसरा रामायण युग है, और चौथा आपका महाभारत युग है। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या है। ये UPSC प्री 2002 में ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड। तो जो 800 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो है हमारा ब्राह्मण युग, ठीक है। कौन सा युग है? ब्राह्मण युग है। और सूत्र युग की बात करें फ्रेंड, तो ये लगभग 7 ईस्वी पूर्व से लेकर के 7 या 6 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व के बीच का ये समय है, जिसको हम सूत्र युग के नाम से जानते हैं। अनेक सूत्रों की इस समय रचनाएँ भी हुई थी। रामायण युग या महाभारत युग, रामायण और महाभारत की रचना देखें तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो ये तो उसके समय का पहले का हो गया। 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच का समय होता है, यानी कि 900 ईस्वी पूर्व के लगभग समय है। तो ब्राह्मण युग हमारा 800 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गायत्री मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से में मिलता है? तो गायत्री मंत्र है फ्रेंड, विकल्प देखे क्या है कि उपनिषद में गायत्री मंत्र के बारे में बात की गई, या भगवत गीता, ऋग्वेद, या यजुर्वेद। फ्रेंड गायत्री मंत्र जो बच्चे बच्चों को याद होता है, आई थिंक इसका आपको तो आंसर तुरंत दे देना चाहिए। और ये देखें PCS बिहार PCS प्री 1994 में ये क्वेश्चन आया था। तो जो गायत्री मंत्र है वो भगवत गीता से संबंधित है। भगवत गीता किसका भाग है? जल्दी से बताइए, किस महाकाव्य का भाग है? ये आपका महाभारत से संबंधित है, उसका भाग है। और गायत्री मंत्र की बात करें तो देखिए गायत्री मंत्र हमने क्या किया था कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है गायत्री मंत्र, और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र। प्रश्न ये उठता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो फ्रेंड ये सविता देवता को समर्पित है, सविता यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है, और सूर्य देवता को ही ये देवताओं की आग कहा जाता है, देवताओं की आग कहा जाता है। तो गायत्री मंत्र जो है सविता देवता या फिर सूर्य देवता को समर्पित है, और ये आपका भगवद्गीता से, सॉरी फ्रेंड यहाँ भगवद्गीता तो नहीं होगा, यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ऋग्वेद से संबंधित है, और ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसकी बात की गई है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, और ये विश्वामित्र के द्वारा लिखी हुई है। तो ये ध्यान दीजिएगा किस पुस्तक में है, ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं। तो फ्रेंड ये कुछ संकेतक दिए हुए हैं और नीचे कुछ चार विकल्प दिए हुए हैं। ये पूछ रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित्र जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड ये बताइएगा आप जल्दी से किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे देखिए विकल्प क्या दिया है, वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के या फिर सूत्रों के। तो देखिए ये जो आंसर है वो है आपका UPSC प्री में आया था 2015 में क्वेश्चन आया था। तो ये जो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर, वंशानुचरित हैं, ये पुराणों के संकेतक हैं। फ्रेंड ये जो पुराणों के जो विषय हैं, ये पांच विषय में, पुराणों के पांच विषय में इनको बांटा गया था, और ये किसने बांटा था? ये अमरकोश में बांटा गया है फ्रेंड। अमरकोश जो है वो अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो अमर सिंह ने अपनी पुस्तक अमरकोश में पुराणों के पाँच विषय लिखे हैं, और ये पुराणों के पाँच विषय क्या हैं? सर्ग है, सर्ग मतलब होता है सृष्टि की उत्पत्ति,
प्रतिसर्ग यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब उसका विनाश होता है, उसका फिर से जब उत्पत्ति होती है तो मतलब प्रलय के बाद फिर से उत्पत्ति। प्रतिसर्ग वंश है, ऋषि मुनियों का वंशावली मन्वंतर है फ्रेंड। ये जो अनेक महायुग है उन्हीं को मन्वंतर कहा जाता है। वंशानुचरित है ये, तो राजा महाराजाओं के वंशानवलियों से रिलेटेड है। तो जो पुराणों के जो इसमें दिया है, तो फ्रेंड हमें आंसर बताइए कि ये जो अमरकोश थे, अमरकोश के रचयिता अमर सिंह, ये किसके दरबार में रहा करते थे? हमने क्लास में भी बताया था कि अमर सिंह किसके दरबार में थे। चलिए मैं हिंट करती हूँ, ये नौ रत्नों में से एक थे। तो किसके नौ रत्नों में से एक थे, हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फ्रेंड। कोई भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, ठीक है? आप लोग बिल्कुल चीज़ों के लिए सीरियस नहीं रहते, इसलिए प्लीज़ मुझे इसका आंसर बताइए कि अमरकोश के जो रचयिता अमर सिंह है वो किसके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है पुराणों की संख्या? 16, 18, 19 या 21, यानी कि 16, 18, 19, 21 कितनी है बताइए पुराणों की संख्या? फ्रेंड पुराणों की संख्या जो है 18 है। और पुराणों को किसने रचा था, रचनाकार कौन है? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र जो थे उग्रश्रवा, इन्होंने पुराणों की रचना की थी। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। ये भी UPPCS में आया था 2010 और 2009 में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट में चलते हैं। श्री भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ठीक है, यहाँ भाषा पूछ रहा है कि किस भाषा में लिखी गई है। तो फ्रेंड जो मौलिक रूप से, चूंकि भगवत गीता का तो कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, तो इसमें देखिए विकल्प क्या है, संस्कृत में, उर्दू में, पाली में, हिंदी में। तो ये देखिए उत्तराखंड प्री 2007 में ये क्वेश्चन आया था। तो जो भगवत गीता है, श्री भगवत गीता जो महाभारत का भाग है, तो भगवत गीता का मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है, संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, मतलब मूल रूप से सबसे पहले महाभारत को किस रूप में जाना जाता था? विकल्प देखिए क्या है, बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या फिर जय संहिता। तो फ्रेंड ये देखिए यूपी आरओ में ये क्वेश्चन 2014 में आया था ये क्वेश्चन। तो जो महाभारत है फ्रेंड, बेसिकली इनको तीन नामों पे जाना जाता है, तीन नामों जो कि श्लोकों के आधार पे। तो इसका जो आंसर है, सबसे पहले ये जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जब महाभारत में 8,800 श्लोक होते थे तो ये आपके जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और जब 24,000 जब श्लोक होते हैं तो ये आपका भारत के नाम से जाना जाता है। और जब 1,00,000 श्लोक होते हैं, जब 1,00,000 श्लोक होते हैं तो इसी को हम महाभारत के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली इसको स्टार्टिंग में 8,800 श्लोक होने के दौरान इसको हम जय संहिता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, हिंदू पौराणिक जो कथा के अनुसार, समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ठीक है, रस्सी के रूप में स्वयं को किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए इसमें विकल्प दिया है, कालिया, वाशुकी, पुष्कर, शेषनाग। ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस में आया था 2007 में, ये क्वेश्चन आया था। तो जो समुद्र मंथन के लिए किस सर्प का यूज किया, जो वो था किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर देखिए क्या है, वासुकी। ठीक है फ्रेंड, समुद्र मंथन के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, जो यहाँ पे जो समुद्र मंथन का विषय क्या होता था, अमृत की खोज, यानी कि अमृत को प्राप्ति के लिए जिस तरीके का समुद्र मंथन किया गया था उसी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो रस्सी जो थी, जो रस्सी के रूप में वासुकी थे, और जो डंडे का इस्तेमाल किया गया था वो किस पर्वत का नाम था, तो उसकी बात करें तो मंद्राचल पर्वत था। उसको रस्सी के रूप में, उसको डंडे के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और उसी से उन्होंने देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन का हुआ था कि अमृत प्राप्त करने को लेकर के। तो इसी को लेकर के आपका मंद्रांचल पर्वत और वासुकी जो कि सर्पों के राजा थे वासुकी, इनका रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत होती है, हुई है, किस काल में अछूत की, ठीक है, अछूत की जो है किस काल में? तो यहाँ पे विकल्प देखे क्या है, ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र
के समय में। जल्दी से आंसर बताइए। देखिए इसका ये क्वेश्चन आया था, बिहार पीसीएस में आया था, 1994 में ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए कब था, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से हमें पता चलती है। तो देखिए उसका आंसर क्या है, धर्मशास्त्र काल। इसी को सूत्रकाल भी कहते हैं फ्रेंड। सूत्रकाल जो था ये ब्राह्मण काल के बाद का आता है। सूत्रकाल लगभग 600 से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व के समय का काल है। धर्मशास्त्र उसी के समय देखा जाए तो अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से आती है। ऋग्वैदिक काल का समय तो आपको पता ही है, 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल का तो पता ही होगा आपका, 1000 से लेकर के 600। और उत्तर गुप्त काल तो गुप्त काल के बाद में आता है, गुप्त काल के बाद का समय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय, किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते बताइए किस उपनिषद से लिया गया है। ये लिया गया है, देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, मुंडोक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोक उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बिहार यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 में आया था। यूपी पीसीएस मेंस सेम ईयर सेम प्री और मेंस में देखा जाए तो ये सेम क्वेश्चन आया था कि सत्यमेव जयते, जो कि हमारे राज्य चिन्ह में भी ये अंकित है, तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो इसका आंसर देखिए क्या है, मुंडोक उपनिषद। ठीक है, देखिए दो उपनिषद सेम नाम से मिलते हैं, एक मुंडोक उपनिषद है, एक मांडोक्य उपनिषद है। तो फ्रेंड कभी कभी विकल्प में मांडोक्य भी दे देगा और दूसरा आपका मुंडोक उपनिषद है। तो लेकिन सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडोक उपनिषद से है। प्रश्न ये उठता है कि मुंडोक उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो फ्रेंड ये है अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित है मुंडोक उपनिषद। और मोस्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये मुंडोक उपनिषद में ये चीज का लिया गया। तस्मो मा ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर कथन जो है वो मूलतः किससे जुड़ा हुआ है। अंधकार से प्रकाश की ओर, तस्मो मा ज्योतिर्गमय। तो जल्दी से आंसर बताइए। देखिए इसमें विकल्प क्या है, उपनिषदों का है ये कथन, महाकाव्यों का है, पुराणों का है, षड् दर्शन का है, या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए बिहार छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया था। तो तस्मो मा ज्योतिर्गमय जो है ये उपनिषदों का कथन है, उपनिषदों में लिखा हुआ है। प्रश्न ये बनता है कि किस उपनिषद में लिखा हुआ है, तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में इसका इसके बारे में लिखा हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद। और ये बृहदारण्यक उपनिषद किससे संबंधित है फ्रेंड, किस वेद से संबंधित है, वो है आपका यजुर्वेद से संबंधित है बृहदारण्यक। और तस्मो मा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक यजुर्वेद से। महाकाव्य जानते हैं, दो महाकाव्य रामायण है और आपका महाभारत है। और पुराणों की बात करें तो हमने अभी 18 पुराण देखा, षड्दर्शन, छःदर्शन हमने क्लास में अच्छे से बताया, उसकी क्लास करना आपको, षड्दर्शन के भी बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। ठीक है, सफ़ेद घोड़ा, ठीक है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। फ्रेंड सबसे पहले तो ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कितने उपनिषद हैं, उपनिषदों की संख्या बताइए कितने हैं। तो ठीक है, 108 उपनिषद है ये तो पता ही है। पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न कि किस उपनिषद को सफ़ेद घोड़ा कहते हैं। विकल्प देखिए क्या है, कठोपनिषद, छांदोक उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, या ईशोपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आया था। तो आंसर बताइए क्या है फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि श्वेताश्वर उपनिषद को हम सफ़ेद, जिसका श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। और हमें हमने कल बताया था ना, श्वेताश्वर उपनिषद जो है वो किससे संबंधित है, किस वेद से संबंधित है, ये भी आपका यजुर्वेद से संबंधित है। छांदोक उपनिषद जो है, छांदोक उपनिषद किस वेद से संबंधित है जल्दी से बताइए, तो ये सामवेद से संबंधित है। तैत्रीय उपनिषद की बात करें तो तैत्रीय उपनिषद भी यजुर्वेद से संबंधित है। और ईशोपनिषद की बात करें तो ये भी आपका यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा सत्यकाम जबाला की कथा, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है। ठीक है, सत्यकाम एक बालक रहता है, वो ऋषि गौतम के पास जाते हैं, उनका शिष्य बनना चाहते हैं सत्यकाम जबाला जी। तो ऋषि गौतम उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा परिवार क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन है। तो जो सत्यकाम जबाला रहते हैं उन्होंने बोला कि मैं अपने माता को तो जानता हूँ, लेकिन उनके पिता का नाम नहीं जानता हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि इनकी जो माता थी और इनके जो पिता थे, मतलब उनका नाम नहीं पता होता था। एक तरीके से एक लांछन उन पर लगता है कि अनब्याही माँ बनती है। तो
उन्होंने चूंकि बड़े ही ईमानदारी के तरीके से ईमानदार तरीके से अपने सत्य को ऋषि गौतम के सामने बोलते हैं कि मुझे अपने पिता का नाम नहीं पता है, और उनकी ईमानदारी से उनकी सत्य निष्ठा को देख करके ऋषि गौतम काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वो उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कथा है ये कहाँ पर दी गई है, किस उपनिषद में दी गई है? तो यहाँ पे विकल्प देखे क्या है, जबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग उपनिषद या फिर कठोपनिषद। ये देखिए राजस्थान में आया था ये क्वेश्चन, 2016 में आया था, तो इसका जो आंसर है वो है छांदोग उपनिषद। ठीक है, छांदोग उपनिषद में सत्यकाम जबाला की कथा दी गई, और छांदोग उपनिषद जो है वो किसका भाग है, सामवेद का भाग है। ठीक है, सामवेद का उपनिषद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, लिपि पूछ रहा है फ्रेंड ऋग्वेद की। अभी हमने भगवद गीता की हमने भाषा पूछी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि, लिपि क्या होता है फ्रेंड? लिपि हमने बताया था ना कि जिन अक्षरों का इस्तेमाल करके हम किसी भाषा को लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जिन और जो जैसे कि मान लीजिए आप जो अभी ये जो देख रहे हैं, जितना भी आपके बोर्ड के सामने लिखा है वो हिंदी भाषा में लिखा है, और हिंदी भाषा में जो अक्षर इस्तेमाल किया गया है वो देवनागरी लिपि से लिखा गया है। अब जैसे यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इंग्लिश हमने UPP जो ये है क्या है, ये रोमन लिपि है, तो रोमन लिपियों का यूज़ करके हमने इंग्लिश लिखा। उसी तरीके से जो ये देवनागरी लिपि में से हम जो लिखते हैं, जिन भाषा का जिन अक्षरों को निकालते हैं उससे हम हिंदी लिखते हैं। तो ये इसी तरह सेम पूछ रहा है कि ऋग्वेद में मूल लिपि कौन सी है फ्रेंड, तो आंसर बताइए जल्दी से। यहाँ पे विकल्प क्या दिया है, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, पाली लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि से तो आप हिंदी, खरोष्ठी लिपि जो है उत्तर पश्चिम में बोली जाती है, कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। पाली जो है एक भाषा है, हमने बताया था पाली भाषा के, पाली ब्रह्म जो है आप तो देखेंगे जैन और ये सब आपके बौद्ध जो साहित्य वगैरह लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए 33 का जो है, 33 क्वेश्चन हमारा है क्या है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है फ्रेंड। होता विद्वान थे, होता होत्री, तो ये जो विद्वान थे वो किस वेद से संबंधित थे? तो देखिए इसमें विकल्प क्या दिया है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्वेद से। ये UPRO में क्वेश्चन आया था, मेंस 2013 में आया था। तो जो कर्म कांड में जो होता का संबंध था, वैदिक कर्मकांड में जो पुरोहित हुआ करते थे, जो जो इनका संचालन करते थे कर्मकांड विधियों का, तो होता जो थे वो थे आपका ऋग्वेद से संबंधित थे। तो होता होत्री ऋग्वेद से संबंधित थे। प्रश्न बनता है कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद के कौन कौन से आपके पुरोहित थे? तो यजुर्वेद की बात करें, तो यजुर्वेद की बात करें तो अधर्यु थे, अधर्वयु थे। सामवेद की बात करें तो उद्गाता थे, उद्गाता इसके पुरोहित थे। और अथर्वेद की बात करें तो ब्रह्म थे। ठीक है, ये आपके क्या थे, ये इनके पुरोहित हुआ करते थे, विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, अवेस्ता जिस क्षेत्र से संबंधित है फ्रेंड, अवेस्ता जो ग्रंथ था और ऋग्वेद जो था, तो ये जो पूछ रहा है कि इन दोनों में समानता है फ्रेंड। देखिए विश्व में तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन हमारा दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में कि क्यों अवेस्ता के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ इसमें समानता देखी जा रही है, तो कोई ऋग्वैदिक से जुड़ी हुई चीज़ें अवेस्ता ग्रंथ में चर्चा की गई हैं, तो प्रश्न इसीलिए यहाँ पे आया है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता देखिए विकल्प कह दिया, भारत से संबंधित है, ईरान से, इसराइल से, मिस्र से, किससे संबंधित है? UP लोअर सबॉर्डिनेट प्री 2004 में ये क्वेश्चन आया था। तो अवेस्ता जो है वो ईरान का ग्रंथ है। ठीक है, अवेस्ता में एक देवता की चर्चा की गई जिसका नाम है अहिरमुज्जा। ठीक है, अहिरमुज्जा की चर्चा की गई है, और इनकी तुलना की गई है वो ऋग्वैदिक देवता वरुण से की गई है। ठीक है, इनसे वरुण देवता की तुलना अहिरमुज्जा से की गई है, और ये ईरानी ग्रंथ में अवेस्ता में उनका नाम उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में किस जानवर को या किस पशु को अगन्या माना जाता था? अगन्या यानी कि जिसकी हत्या नहीं की जा सके, जिसको मारा ना जाए, अगर किसी ने उसकी हत्या की तो उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती थी वैदिक काल में, तो कौन सा जानवर था बताइए। हमने अभी इसके बारे में अच्छे से बात किया, विकल्प में देखे क्या है, बैल है, भेड़ है, गाय है, हाथी है, तो किस जानवर को अगन्या कहा जाता था? आंसर है फ्रेंड आपका गाय को। फ्रेंड गाय जो थी
उसको संपत्ति माना जाता था, गाय को अघन्या कहा जाता था। और हमने ये भी बताया था जो गाय का रक्षक, जो उस समय का राजा पूर्व वैदिक काल में जो राजा होता था वो मेनली कबीले का और गाय का संरक्षक होता, उसको जनस्य गोपा, और आपका देखा जाए जनस्य गोपा गोपपति कहा जाता था। गोपपति यानी कि आपका गायों की रक्षा करने वाला। तो गाय संपत्ति होती थी, इसको एक तरीके से वस्तु विनिमय, वस्तु आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और गायों के बाद अगर किसी भी अन्य पशु का जो महत्व था वो था घोड़े का, घोड़ा जो होता था, घोड़ा दूसरा जो पशु था महत्वपूर्ण पशु था, और तीसरे नंबर पे निश्चिक होता था। तो इन तीनों के माध्यम से क्या किया जाता था, आदान प्रदान किया जाता था, व्यापार किया जाता था। तो गाय को जो अघन्या कहा जाता था क्योंकि जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही ज़्यादा उसके पास संपत्ति मानी जाती थी। तो गाय का अपने उस समय के समाज में बहुत ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, सॉरी पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में ऋग वैदिक काल के आर्य सिंधु घाटी के लोगों के बीच में तुलना किया गया है और पूछा जा रहा है कि इन दोनों में कौन सा अंतर है। विकल्प देखे क्या है, पहला विकल्प है ऋग वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरशास्त्र यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो बताइए फ्रेंड, हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो समाज था वो काफ़ी शांतिप्रिय समाज था, हमें युद्ध जैसे किसी भी साक्ष्य, युद्ध जैसा कोई भी हमें प्रमाण वहाँ पर नहीं मिलता है। और जो थोड़े मोड़े छोटे मोटे हथियार भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मिले हैं वो बेसिकली क्या होता था कि शिकार वगैरह करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे तो हमारा, और अगर वहीं पे हम ऋग वैदिक काल की बात करें तो ऋग वैदिक काल के लोग जो थे वो कबीलाई समाज था, वो काफ़ी एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे, युद्ध का करते थे। अभी जस्ट हमने दस राग युद्ध के भी बारे में चर्चा किया। तो यानी कि पहला जो है विकल्प वो तो सही हो गया कि इनका उपयोग नहीं करते थे, ठीक है, और ये आर्य कवच और शिरशास्त्र का प्रयोग करते थे। दूसरा देखिए विकल्प क्या दिया है कि ऋग वेद कालीन आर्य को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, बिल्कुल था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। फ्रेंड, लोहे का ज्ञान तो था ही नहीं, कितनी बार आपसे चिल्ला जुला के यही तो समझाई हूँ। लोहे की खोज तो हमें उत्तर वैदिक काल में होती है, तरंजी खेड़ा से हमें लोहे का प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को तो तांबे का, कांसे का पता था, केवल यहाँ पे आ गया, केवल भी ऐसा नहीं था, केवल उनको कितनी सारी धातुओं के बारे में पता था, हमने बात किया था तांबे के बारे में पता था उन्हें, चांदी के बारे में, सोना के बारे में, शीशा के बारे में, कांसे का, ये सब का इस्तेमाल वो जानते थे। तो इसलिए विकल्प दूसरा तो गलत हो गया। तीसरे विकल्प पे चलते हैं कि ऋग वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड, वो घोड़े को पालतू बनाए थे और युद्ध में उनका इस्तेमाल करते थे, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। फ्रेंड, हमने क्लास में आपको बताया था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी में हमें बहुत सारी जगहों से घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगा से मिला है, सुरकोटदा से मिला है, लोथल से मिला है। तो ये तो विकल्प गलत हो गया कि ये लोग जानते नहीं थे, ठीक है, लेकिन हाँ ये लोग किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते थे इसके बारे में चर्चा हम नहीं बहुत अच्छे तरह से बता सकते कि हाँ घोड़े का इस्तेमाल वो व्यापार के लिए करते थे या किन कार्यों के लिए करते थे, लेकिन घोड़े के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर ऋग वैदिक कालीन आर्यों के बारे में बात करें तो वो घोड़े का इस्तेमाल करते थे रथ खींचने के लिए, युद्धों में इस्तेमाल करते थे, व्यापार में हमने बताया है कि घोड़े का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता था, गाय के बाद घोड़े का महत्व होता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, केवल एक, ठीक है। ये देखिए ISP 2017 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। फ्रेंड, प्रारंभ की बात क्या, यानी कि पूर्व वैदिक काल में किससे मूल्यवान संपत्ति समझाता था, संपत्ति के रूप में किसे, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था।
ठीक है, गायों का काफ़ी ज़्यादा रक्षा करने के लिए गायों को, अगर गाय जो थी गायों को अघन्या कहा जाता था। पाड़ी नामक जो व्यापारी हुआ करता था वो गायों की चोरी करता था, क्योंकि कहा जाता था, हमने अभी जस्ट बताया कि जो गाय के माध्यम जो चोरी करता था क्योंकि वो सूदखोर भी था और वो काफ़ी ऊँचे ऋण पर ब्याज देता था, तो वो ब्याज देने के लिए ऑब्वियस है ना, बताया था कि भाई बैंक के पास पैसा रहेगा तभी तो वो ऋण देगा, तो गाय होती थी तो गायों को देता था, ऋण के रूप में इस्तेमाल करता था। तो यहाँ पर गाय काफ़ी ज़्यादा संपत्ति का सम्मूल्य देवान संपत्ति समझी जाती थी। जो युद्ध होते थे वो गायों के लिए आपस में लोग संघर्ष करते थे, तो इस तरीके से था। भूमि का वहाँ पे भूमि का महत्व बढ़ता है फ्रेंड, उत्तर वैदिक काल में भूमि का महत्व हो जाता है, जो राजा होता है फिर वो भूमि का स्वामी हो जाता है, भूमि को विस्तार, फिर आप देखेंगे कि फिर जन जो है जनपद बनता है, फिर महाजनपद समय में भूमि को लेकर के अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा युद्ध होते हैं। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो हमने बताया था पूर्व वैदिक काल में किस तरह से स्त्रियों की स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है, जल को लेकर के ऐसा कुछ विशेष बात नहीं की गई है। ये देखें UPPSC में आया था 2015 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन वर्ग का नहीं है? ठीक है, शेष तीन वर्ग का, वर्ग इसमें नहीं है, मतलब एक हमें एक ऐसा चीज़ पूछा जो इसमें नहीं है, मेल नहीं खाता है तीनों से। तो विकल्प देखिए क्या है, कुल, वंश, कोष, गोत्र। ठीक है, और ये देखिए ये जो क्वेश्चन आया था वो आया था ISP 1996 में, ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आंसर बताइए क्या है, जल्दी से आंसर में हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए फ्रेंड, जो कोष है वो इन तीनों से अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोष की बात जो हो रही है वो भंडार की बात हो रही है। ठीक है, भंडार, भंडार वगैरह जहाँ पे आप सामान वगैरह रखते हैं, अनाज वगैरह रखते थे, भंडार की। कुल की बात करें फ्रेंड, तो ये जो कुल होता था वो एक ही, हमने जब वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो हमने आपके सामाजिक इकाइयों के बारे में बात किया था, जिसमें हमने बताया था कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो कुल होती थी, और कुल कौन होते थे, जो एक ही छत के नीचे रहने वाले जो परिवार होता था उसको कुल कहते थे, और कुल को मिला करके ग्राम बनाया जाता था, ग्रामों को मिला करके क्या बनता था, विश्व, विश्व बनता था, और विश्व को मिला करके जन बनता है। और आप यही उत्तर वैदिक काल जाएंगे तो जन जन मिल करके जनपद बनाते थे, और यही जनपद आपस में मिल करके महाजनपद बनाते, जो कि 6वीं शताब्दी पूर्व का समय रहता है। वंश और गोत्र भी लगभग एक ही होता है, एक ही परिवार, और गोत्र हमने अभी बताया कि गोत्र जो होता है एक ही मनुष्य से जो उत्पन्न संतानें होती हैं उनकी जो पीढ़ियाँ होती हैं गोत्र के अंतर्गत आती हैं। और गोत्र शब्द का इस्तेमाल ऋग्वैदिक काल में हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, यहाँ संस्कारों की कुल संख्या पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन आया था MPPSC 2015 में, ये क्वेश्चन आया था। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प देखिए क्या है, 10 है, 12 है, 15 है, या फिर 16, यानी कि 10, 12, 15, 16। बताइए संस्कारों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड, जल्दी से आंसर बताइए। तो संस्कारों की कुल संख्या फ्रेंड 16 है। प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि संस्कारों का जो चर्चा किया गया है या प्रथम बार उल्लेख है संस्कारों का वो कहाँ है? वेदों में है, उपनिषदों में है, अरण्यक में, सूत्रों में है, किस में है? तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए कि संस्कारों की प्रथम बार चर्चा किस में है। तो संस्कारों की प्रथम बार चर्चा जो है वो गृह सूत्रों में सबसे पहली बात की गई है। प्रश्न यहाँ पे एक और यहाँ पे बनता है कि संस्कारों का प्रचलन कब शुरू होता है? चूंकि चर्चा जो की गई है सबसे पहले बार उल्लेख हमें मिलता है वो गृह सूत्रों में मिलता है, लेकिन संस्कारों का सबसे पहले बार जो प्रचलन होता है फ्रेंड वो वैदिक वैदिक काल में होता है। लेकिन परंतु इनकी जो चर्चा है वो वैदिक साहित्यों में ना होकर के हमें गृह सूत्रों में मिलती है। तो प्रश्न यहाँ से दो बन सकते हैं कि वैदिक कथन की बात करें तो जैसे वैदिक जो आपका संस्कारों का जो प्रचलन है वो वैदिक काल में शुरू हुआ, करेक्ट। संस्कारों का उल्लेख जो है वो वैदिक साहित्य में है, इनकरेक्ट। ठीक है, वो वैदिक साहित्य में नहीं है, वो गृह सूत्रों में है। 16 संस्कारों की हमें चर्चा मिलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीवकोपार्जन हेतु
वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जीविकोपार्जन हेतु जो वेदांग पढ़ाते थे उनको क्या कहा जाता था? विकल्प देखे क्या है, आचार्य, अधर्व्यु, उपाध्याय या फिर पुरोहित। उत्तराखंड मेंस 2007 में क्वेश्चन आया था। तो वेद वेदांग को पढ़ाने का कौन कार्य करता था? वो करता था उपाध्याय करते थे, ठीक है। उपाध्याय जो थे वो वेदों को पढ़ाते थे, आचार्य जो होते थे वो गुरुकुल में पढ़ाते थे, अधर्व्यु की बात करें फ्रेंड तो ये यजुर्वेद के विद्वान थे, यजुर्वेद के पुरोहित थे, और पुरोहित तो आप समझी रहे विद्वान, तो ठीक है। उपाध्याय जो होते थे वो क्या करते थे, वेद वेदांग को पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा वैदिक कल्चर से जुड़े हुए जो मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। एंड होप कि आपको इसी के साथ साथ आपकी क्लास भी रिविजन हुई होगी, और प्लीज़ इससे जुड़े हुए क्लास को देखें, आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिलेगी। और जितने भी मैं क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ उसके आंसर देने की कोशिश क्या करिए, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे तभी सिलेक्शन होगा, इस चीज़ को ध्यान कर लो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ स्टे हैप्पी।